बिहार में भले ही जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे की सहयोगी हों, लेकिन बीजेपी को मजबूती देने वाले संघ की वजह से दोनों दलों में अक्सर तल्खियां आती रही हैं। एक बार फिर संघ बीजेपी और जेडीयू में कलह की वजह बन गया है, जिसे लेकर जेडीयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उनकी टिप्पणी पर बीजेपी का बिफरना तय माना जा रहा है। संघ को बीजेपी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। माना जाता है कि बीजेपी का पत्ता संघ के बिना नहीं हिलता है, जबकि जेडीयू हमेशा संघ की कटु आलोचक रही है। सीएम नीतीश कुमार तो कई मौकों पर अपनी विचारधारा भी साफ कर चुके हैं। ये अलग अलग सुर बीजेपी और जेडीयू के बीच फूट डालते हैं और अब इस खींचतान को जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह ने बड़ा बयान देकर बढ़ा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए संघ को आड़े हाथों लिया। फेसबुक पर उन्होंने लिखा, नीतीश न तो गजनी का मोहताज है न ही किसी शुंग वंशी का। नीतीश ने सदियों से दबे कुचले हजारों सिपह सलारों की फौज खड़ी कर दी है, जो हर हाल में नीतीश पर चलने वाले तीर को निष्प्रभावी कर देगी। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा कि नीतीश ने सालों तक बिहार में संघियों की नाक में नथियां पहनाकर बुद्धिज्म की धुन पर कत्थक कराया है। शताब्दियों से दबे बुद्धिज्म को संघ की काट में खड़ा करने का काम किया है। चिंता मत करिए, नीतीश की लाठी सिर्फ शरीर पर ही नहीं चलती बल्कि दिमाग की बत्ती भी खोल देती है। जेडीयू नेता का ये तीर न सिर्फ संघ को चुभेगा बल्कि इससे बीजेपी को भी दर्द होगा। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव से पहले जेडीयू नेता के इस बयान से बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।